नगर थाना से महज 100 मीटर स्थित रेलवे क्वार्टर 314 बी में रह रहे IOW विभाग में कार्यरत राजकुमार चंदन को बीते रात अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना प्रभारी अमित गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पत्नी रिंकू देवी ने बताया कि रात 8 बजे के आसपास खाना खाकर वे लोग सो गए। पति बाहर वाले कमरे में थे जबकि वो बच्चों के साथ अंदर वाले कमरे में थी। रात 1:30 बजे के आसपास उसने गोली चलने की आवाज सुनी। इसके बाद वो अपने कमरे से निकल कर आई तो देखा कि पति को किसी ने गोली मार दिया है। भैया हम कुछ नहीं जानते हैं, आवाज हुआ एक बार खिड़की के तरफ तो हमको लगा उधर ही आवाज हुआ। फिर जब दोबारा मतलब उधर खटखट जैसा आवाज हुआ, मतलब इधर रोज हमेशा आवाज होता है। फिर जब पूरा एकदम अजीब जैसा आवाज हुआ, लगा कि कुछ जोर से बम फोड़ दिया हो। तो मेरा बाबू रोने लगा छोटा वाला एकदम जोर जोर से, और हम भी पूरा डर गए। तो हम अपना गेट को जोर से एकदम पकड़ करके वहीं 5 मिनट के लिए स्थिर हो गए। और जब बाहर निकले तो मेरा पति छटपटा रहा था। कितने बजे घटना है मोटा मोटी? यही 1 से 1:30 के आसपास घटना है। हाँ, आपके अभी जो बताया इर्द गिर्द में चक्री सब होता था बहुत ज्यादा, मतलब वो क्या कहता था चक्री में सब कहता था, तो कि कोई बोलेगा तो हम गोली मार देंगे। हाँ, लेकिन हम कभी किसी को फेस नहीं देखे, मतलब रोज का घटना था ये। हाँ, अलग अलग लोग आता था लेकिन ऐसे पर्सनली किसी को परेशान नहीं करता था, लेकिन आपस में सब बोलता था। और मेरे आंगन में कई बार बोतल भी फेंक देता था, मतलब दारू का बोतल था। हाँ, वो मतलब पीता होगा पूरा के जगह मेरे आंगन में फेंक देता था। क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार। कितने बच्चे हैं आपका? दो बच्चे का क्या नाम था? मिट्टू किट्टू। सर, ये रेलवे क्वार्टर में घटना हुई है, क्या है सर मामला, क्या कुछ? ये नगर थाना अंतर्गत नॉर्थ रेलवे कॉलोनी में बीती रात एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें रेलवे में ही काम करने वाले राजकुमार जी चंदन नाम व्यक्ति जिनकी हत्या हुई है। इसकी सूचना प्राप्त होते ही वहां पर नगर थाना प्रभारी और पुलिस दल पहुंची। रात के समय करीब 1:30 बजे की बात है और प्रथम दृष्टया पाया गया है कि गोली लगने से उनकी हत्या हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें एक टीम गठित करके हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। नाम राजकुमार कुंदन है सर। हाँ, हम लोगों को क्या भेज रहा था? 2:00 बजे सर हम लोगों को खबर मिला कि आपके भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम लोग जान करके यहाँ तक पहुँचे। क्या हुआ इसका कोई जानकारी आप लोग के पास? कुछ जानकारी है, हम लोग तो वहाँ है सर, यहाँ क्या बताएंगे आपको हम। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? घर बौसी हुआ मेरा। किसी पे डाउट कुछ है क्या? किसी पे कोई डाउट नहीं है सर, क्योंकि वो लड़का ऐसा ही था ही नहीं जो कि किसी से दुश्मनी करे, ना कोई नशा सुपारी सौंप ये सब भी नहीं खाता था, चाय तक नहीं पीता है।